शहर के उपनगर नीमच सिटी निवासी हाजी पीर अय्यूब अली शाह के निवास पर गत दिनों हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के सभी धर्मों के लोग इस सालाना उर्स का हिस्सा बने। आपको बता दें कि उर्स का समय ऐसा बंधा कि शाम और रात कभी किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे में उर्स का जश्न और माहौल देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम के दौरान जोहर की नमाज के बाद चादर शरीफ भी पेश की गई। उर्स के दौरान मंदसौर जिले के मशहूर कवारों द्वारा कव्वाली से समा बांधा गया। पूरे कार्यक्रम के बाद सभी समाजजनों और अन्य धर्मों के सभी लोगों के लिए विशाल लंगर का आयोजन किया गया। मजार का प्रोग्राम है और यहाँ हर साल मनाया जाता है। हर आदमियों की कामना और मुराद पूरी होती है और जो इनसे वाबस्ता रहता है वो हमेशा खुशहाल रहता है। उनके चाहने वाले तो जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी साहब, यहाँ जश्न मदार आज़म मनाया जा रहा है। मदार साहब की 29वीं तारीख हमारे पीर व मुर्शिद यहाँ मौजूद हैं। हजरत दिलदार अली शाह मलंगा, शिवपुरी करेरा गादी नशीन और हमारे वालिद साहब अय्यूब अली शाह हाजी खलीफा मौजूद हैं। इन्हों की सब देख रेख में ये मनाया जा रहा है प्रोग्राम और जाहिरन आते हैं। सुबह से भंडारा चलता है शाम तक और सब यहाँ मौजूद है। जितने भी हाजरीन हैं सबके दुआएं होती है, फैज़ होता है और सब हमारे पीर व मुर्शिद यहाँ मौजूद हैं। शाह बाबा मलंग करेरा शरीफ जो सबसे बड़े बाबा हैं और गादी के मालिक हैं, और मैं हाजी पीर मोहम्मद अय्यूब अली शाह जो नीमच सिटी का मुकामी रहने वाला हूं, और ये पांचवा उर्स बड़ी शान व शौकत से मनाया जा रहा है। और आज सुबह 10 बजे से लंगर चल रहा है, जहरीन आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, बाबा का करम है। आज शाम का कोटा के मुफ्ती साहब आए हैं, जो तकरीर का प्रोग्राम होगा, उसके बाद कव्वाल पार्टियां जो है अपना कलाम पेश करेंगी। उनको हर तरीके से फैज़ मिलता है, हर काम पूरे होते हैं, भलाएँ वाले भी आते हैं, भलाएँ भी खेलती हैं और सारे काम अच्छी तरीके से होते हैं। ये मिशन मदार बाबा का मदार पाक का उर्स मनाया जा रहा है, रस्म मनाई जा रही है समझे। और यहाँ हिंदू मुसलमान एकता के लिए और सारे हिंदू यहाँ हम मुसलमान सब आते हैं, हाजिरी देते हैं समझे, अपनी अपनी मुरादों से फैज़ पाते हैं। हाँ, नीमच में ये कोट मोहल्ला है, कोट मोहल्ले में प्रोग्राम हो रहा है, दरगाह बनी हुई है यहाँ यादगार। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन आसिफ अली के साथ चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।